गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. माय सेल्फ आरती तिवारी. आई एम अ सब्जेक्ट टीचर ऑफ मैथ. बेटा मैथ में आज हमारा एक्सरसाइज है 13.1. 13.1 में पहला जो हमारा सम दिया है वो है निम्नलिखित को मिलीलीटर में बदलिए. मीन्स इसका पहला सम हमने आपको बता रहे हैं, इसमें लीटर को मिलीलीटर में हम कन्वर्ट करेंगे. ओके, तो पहले तो हम इसका ये जानेंगे कि एक लीटर बराबर कितने मिलीलीटर होते हैं. तो एक लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होते हैं. कितने बेटा? 1000 मिलीलीटर होते हैं. तो इसका फॉर्मूला देखेंगे. दिया है एक लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर. ठीक है, 1000 मिलीलीटर. तो ये कितना पूछा है? 6 पूछा है ना. 6 को 6 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं. क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. तो 6 का मल्टीप्लाई 1000 में कर देंगे. मींस तो क्या करेंगे, देखिए 6 मल्टीप्लाई इनटू 1000. ओके, इन इक्वल 6000. ओके, मतलब 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर. तो 6 गुणे 1000 बराबर 6000 मिलीलीटर. ये हमारा बेटा क्या होगा? ये हमारा आंसर हो गया. ये हमारा आंसर हो गया. ठीक, सेकंड नंबर हम देखते हैं. 8 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है. तो क्या करेंगे? इसमें भी हम सेम ऐसे लिखेंगे कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर. ठीक, तो देखिए इसको 8 × 1000 इक्वल 8000. ठीक, 1000. इसका आंसर कितना आया? मैं 8 × 1000 के जब 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 8 × 1000 बराबर कितना आया? 8000 मिलीलीटर. 8000 मिलीलीटर. ये हमारा क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया. ओके, सीधे जब हमको ये मालूम हुआ कि 1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर होते हैं, तो जितने मिलीलीटर होते हैं उस डिजिट का मैं इस डिजिट से इनटू कर दूंगी, तो मल्टीप्लाई कर दूंगी. मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर निकल आएगा. जैसे कि हमने किया 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 8 × 1000 बराबर 8000 मिलीलीटर. थर्ड नंबर देखेंगे. दिया है 10 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है. ओके, तो फिर से हम ऐसे लिख सकते हैं. ऐसे इसलिए लिखते हैं ताकि हम उसको भूले ना. तो वह 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर. ठीक, तो देखिए अब क्या करेंगे? अब करेंगे 10 × 1000 इक्वल 10000 मिलीलीटर. ठीक, ये हमारा लीटर, ये हमारा लीटर, ये हमारा मिलीलीटर. जब हमने मिलीलीटर इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर मिलीलीटर में आ गया. ठीक, 1000 मिलीलीटर. ये हमारा क्या होगा बेटा? आंसर. ठीक, अब फोर्थ नंबर देखते हैं. हमारा दिया है 18 लीटर. 18 लीटर को भी सेम हम इसी तरह से ही क्या करेंगे? इसी तरह से इसको हम चेंज करेंगे. तो देखिए इसमें भी हम ऐसे ही राइट करेंगे, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर. ठीक, तो अब देखिए अब क्या करेंगे? 8 × 1000 बराबर 8000 मिलीलीटर. ठीक, ये हमारा क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया. ठीक, हमने क्या किया? 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर. 1000 का मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा उसका आंसर निकल आया. इसे इसमें मैं 1000 का मैंने 8 में मल्टीप्लाई किया, इसका 1000 का 10 में, इसका 1000 इसका जो है वो हमने किया 1000 का 18 में. ठीक है, तो क्या निकल रहा है? 8000 मिलीलीटर. ठीक, तो चलिए अभी हम इसके आगे के दो सम्स और बाकी है जो अभी देखते हैं. ठीक है, चलिए हम अपना सम्स देखते हैं. ई नंबर, इसमें दिया है 72 लीटर 225 मिलीलीटर. तो क्या करेंगे? पहले हम 72 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करके फिर जितने डिजिट आए उसको हम मिलीलीटर से प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा. मीन्स क्या करेंगे? पहले इसका मल्टीप्लाई और
और फिर मल्टीप्लाई करने से जो डिजिट आएगा उसको हम 225 से प्लस करेंगे। तो देखते हैं, मैंने आपसे जैसा बताया था कि एक लीटर बराबर कितना बेटा, मैंने बताया था आपको 1000 मिलीलीटर। ठीक, पहले तो ये, अब पहले हम 72 को दिखाएंगे। देखो 72 लीटर को मैं क्या करूँगी, इसको कन्वर्ट करेंगे मिलीलीटर में। तो 72 मल्टीप्लाई 1000, ओके, इक्वल कितना आया 72000। ठीक, अब क्या करेंगे, अब जो ये डिजिट है हमारी 225 को इसको इसमें हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक, अब देखिए जब हम इसको इसमें प्लस कर देंगे, जब इसको प्लस कर देंगे तो अगर आपको नहीं आता तो ऐसे कर लो, देखिए ऐसे करके इसमें कर लो 225 को प्लस कर लो 5227। ठीक, इतना आंसर आ गया। तो इसका आंसर आया 72,225 मिलीलीटर ना, मिलीलीटर। ठीक, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, और इसको हम यहाँ पे ये डिजिट लिखने के बाद भी कर सकते हैं। ठीक, देखिए 72 लीटर को हमने पहले मिलीलीटर में कन्वर्ट किया तो हमारी क्या डिजिट है, 72000। ठीक, 72000 में हमने क्या किया, 225 जो हमारा मिलीलीटर था उसको हमने प्लस किया तो हमारा आंसर आया 72225 मिलीलीटर। तो चलिए अब हम आगे का सम देखते हैं, इसको भी ऐसे करेंगे। देखिए लिखेंगे 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, तो हम 21 लीटर को पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे, 21 लीटर को हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, मिलीलीटर में। तो 21 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल 21000। ठीक है, इतना आया प्लस 500 मिलीलीटर। अब क्या करेंगे इसको, अब क्या करें, इसको हम प्लस कर देंगे। जब हम प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 21000 21500 मिलीलीटर। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। ठीक, इसमें जब इस तरह के सम जब वन डिजिट के होंगे कि जैसे 5 लीटर को मिली लीटर चेंज करो तो सीधे सीधे उसका 1 लीटर बराबर 1000 मिली लीटर। तो 1000 का हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5000 आ गया। ठीक, वो सीधे सीधे इसमें क्या करेंगे, पहले हम जो ये लीटर वाली संख्या होती है उसको हम मिली लीटर में कन्वर्ट करके जो मिली लीटर की डिजिट आती है उसमें सेकेंड मिली लीटर की डिजिट को प्लस करके तब हम इसका आंसर निकालते हैं। ओके, देखिए फिर दिया 25 लीटर, तो क्या करेंगे, फिर से इसको हम सेम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, बराबर 1000 मिली लीटर। ठीक, तो देखिए 25 लीटर इक्वल 25 × 1000 बराबर 25000 + 250। ठीक, अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब इसको प्लस कर लेंगे तो कितना आएगा, 25250 मिलीलीटर। कितना आएगा, 25250 मिलीलीटर। ठीक, ये हमारा क्या आ गया बेटा, ये हमारा आंसर। ठीक, आज हमने क्या किया, आपको आज हमने 13.1 के पहले जो पहला सम था निम्नलिखित को मिलीलीटर बदले उसके मैंने सम आपको बताया, इन सब को आप लोग अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। ओके, इसके आगे के सम्स नंबर 2 वाला जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। सो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।